चैनल दागा मस्कोट। आज हम लोग बात करने वाले हैं सर एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास करियर ऑप्शंस क्या हैं आफ्टर 12th क्लास और आफ्टर ग्रेजुएशन इन द कॉमर्स फील्ड। तो कॉमर्स फील्ड के अंदर और अदर फील्ड्स के लिए भी ऑप्शन ओपन है। हम लोग देखेंगे आज एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे एनरोल होने की सोच रहे हैं, जिसका नाम है CME, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बाहर की बात करूँ तो इसी पोस्ट का नाम हो जाता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है जी। तो सर इस प्रोफेशन की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोफेशन राइज पे चल रहा है आजकल, मैंने सर ट्रेंड से देखा है। ठीक है। और इनकी जो टैगलाइन है इंस्टीट्यूट की वो भी बड़ी मज़ेदार सी है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज ऑलवेज अ CMA। चलिए जी देखते हैं कि इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सैलरी पैकेज क्या होता है, रिक्रूटमेंट कितनी आती है एक साल के अंदर अंदर, और ये कोर्स टफ है या इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशनल कोर्सेज। चलिए सर स्टार्ट करते हैं कोर्स। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है द कॉमर्स कोर्स, तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो डैट वी कैन गेट इन टच ओवर द लेटेस्ट अपडेट्स एज सुन एज पॉसिबल, जब सबसे पहले आप उस अपडेट्स को देख सकें जैसे कि। चलिए सर तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी विल गो थ्रू। हम लोग आज इस वीडियो के अंदर क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू CMA प्रोफेशन एंड ICMA। CMA प्रोफेशन एक बहुत अच्छा प्रोफेशन आजकल टाइम पे मुझे दिखाई दे रहा है, और हम लोग देखेंगे कि ICMA का क्या रोल है इसके अंदर। ICMA एक बॉडी है जो कि CMA कोर्स कराती है। कोर्स स्ट्रक्चर देखेंगे, कोर्स ड्यूरेशन देखेंगे, ट्रेनिंग देखेंगे कि ट्रेनिंग कितनी कंपलसरी है, कितनी अब कंपलसरी है, कितनी पहले कंपलसरी थी, क्या चेंजेस आ सकते हैं इन द फ्यूचर। एलिजिबिलिटी देखेंगे, एडमिशन प्रोसीजर देखेंगे, कोर्स फी, एग्जामिनेशन फी एक्सेट्रा वगैरह सब कुछ देखेंगे, एरियाज ऑफ वर्क कि भाई आप अगर इसको कर लेते हो कोर्स को तो आपका काम बेसिकली क्या होगा, इस कोर्स को करने के बाद आप क्या काम कर पाओगे मार्केट के में, और आप सोशली क्या इक्विप्ड होंगे स्किल्स के साथ में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एवरेज पैकेज कितना मिलता है इस कोर्स को करने के बाद में, और उसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन क्या है इस कोर्स को करने के बाद, क्या मैं कहीं पे इंटरनेशनली काम कर पाऊंगा इजीली, क्या कोई रिकॉग्निशन मेरी US या UK में जैसे कंट्रीज में भी होगी, क्या मैं अदर कंट्रीज में भी फ्रीली काम कर पाऊंगा जैसे कि यहाँ पे कर पाऊंगा इस कोर्स को करने के बाद। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू CMA प्रोफेशन एंड ICMA, फटाफट से देखते हैं। तो CMA प्रोफेशन का अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ तो CMA प्रोफेशन देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है CMA इज आर द प्रोफेशनल हु आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इन इंडिया अलॉन्ग विथ हैंडलिंग अदर आस्पेक्ट्स ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया सच एज इनडायरेक्ट टैक्सेशन। देखिए बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे CMA काम कर सकते हैं, जिसमें से एक नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बेसिकली किस काम के लिए जाने जाते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं, जो जहाँ पे भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का काम आता है वहाँ पे काम करते हैं एक्सक्लूसिवली, जैसे इनका नाम से ही है तो ये एक्सपर्टीज होते हैं उस लेवल के अंदर। और इमर्जिंग इकोनॉमी के जैसे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे GST आ रहा है तो GST के अंदर भी इनका काफ़ी स्कोप दिखाई दे रहा है। द प्रोफेशन ऑफ CMA इज रेगुलेटेड बाई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको अब ICMA बोला जाता है, वेबसाइट इसकी है लेकिन इसका नाम ICAI है। ठीक है, अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया, ICAI है बट इनकी वेबसाइट ICMAI के नाम से ही है। अ रिकॉग्नाइज स्टैचुटरी बॉडी प्रोफेशनल बॉडी एस्टेब्लिश बाई स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 60 ईयर्स अगो 1959। तो 1959 में सर ये इंस्टीट्यूट रजिस्टर हुआ था एज पर द एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट पास बाय पार्लियामेंट, और आज ये CMA प्रोफेशन को रेगुलेट करता है इन इंडिया। करंटली देयर आर मोर देन 80,000 मेंबर्स एंड 5 लाख प्लस स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर द कोर्स। देखिए ये सब सोर्स से पता चला है विकीपीडिया के, माइट पॉसिबल कि कुछ प्लस माइनस इन नंबर्स में हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज कि 80,000 हमारे मेंबर्स हैं और 5 लाख इस इंस्टीट्यूट के अंदर स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं एट वेरियस लेवल्स, चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो और चाहे वो फाइनल हो। चलिए तो ये तो इंट्रोडक्शन की बात है कि CMA कोर्स कैसा है, प्रोफेशन कैसा है और कौन रेगुलेट करता है इसको। कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें सर तो कोर्स स्ट्रक्चर में आप देखिए कि यहाँ पे 3 स्टेजेस मुझको दिखाई देती हैं, पहला फाउंडेशन, दूसरा इंटर और तीसरा फाइनल। बात करो सर फटाफट से फाइनल की, तो सर फाइनल को इंस्टीट्यूट भी ज़्यादा कुछ वैल्यू देता नहीं है, हालांकि फाइनल फाउंडेशन जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके अंदर 4 पेपर होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इजी माना जाता है। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट जिसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं और 8 पेपर होते हैं, ऐसे ही फाइनल जिसके अंदर भी 2 ग्रुप और 8 पेपर होते हैं, 1 ग्रुप के अंदर 4 पेपर होते हैं इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों में ही।
जबकि बात करूँ फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन में केवल और केवल चार ही पेपर होते हैं। ये तीन स्टेजेस हैं, इसको डेप्थ में देखते हैं कि इन स्टेजेस में हमें क्या क्या करना पड़ता है। चलिए सर, तो इन स्टेजेस को डेप्थ में देखते हैं। फाउंडेशन कोर्स जिसकी ड्यूरेशन 6 महीना लगातार होती है, बेसिक से बेसिक अगर मैं अप्रॉक्स में भी बोलूँ तो 6 महीना जाता है। इसके सेशन चलते हैं जून और दिसंबर में, एग्जाम्स जून और दिसंबर में होते हैं। ये साइकिल है मेनली 6 महीने में एक बच्चा इसको आराम से क्लियर कर सकता है जिसने अभी अभी 12th पास आउट करी है। फाउंडेशन कोर्स इज कंसिडर्ड एज द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ CMA कोर्स। CMA कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम इसी को माना जाता है और ये बहुत सरल एग्जाम होता है। इसको आप इजीली पास आउट कर सकते हो विदाउट एनी दिक्कत, आप बिना किसी क्लासेस के भी इसको पास आउट कर सकते हो। इसके अंदर 4 एग्जाम्स होते हैं, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग हो गया, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट हो गया, फंडामेंटल ऑफ लॉस एंड एथिक्स हो गया, फंडामेंटल बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो ये सारे बेसिक एग्जाम्स हैं जो आपको बीकॉम में भी देखने को मिलते हैं। और अगर आप 12th के बाद पास आउट होकर भी इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो 6 महीने की ड्यूरेशन लगेगी, ठीक है। तो अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप 12th पास आउट हुए हैं अभी अभी, तो भी आप इस एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते एग्जाम। चलिए सर, इसके बाद देखते हैं इंटरमीडिएट कोर्स। एलिजिबिलिटी एडमिशन प्रोसीजर मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, एज पर मैंने आपको लिस्ट जो दी थी। इंटरमीडिएट कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स की ड्यूरेशन हालांकि 1 साल, मैं बोल रहा हूँ कि पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि 1 साल इसमें लग जाता है अप्रॉक्स अगर आप सही से तैयारी करते हो। तो ग्रुप 1 की मैं अगर बात करूँ तो ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 4 पेपर, जैसे कि आपको दिख रहा है ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं और ग्रुप 2 में 4 पेपर हैं। ग्रुप 1 के जो 4 पेपर हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके अंदर आपकी पूरी अकाउंटिंग कवर होगी, अकाउंटिंग 11th की, 12th की, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है, थर्ड ईयर, जितनी भी जहाँ जहाँ भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम से आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, चाहे वो कहीं भी किसी भी साल में पढ़ी हो, वो सारी की सारी इसमें कवर हो जाएगी। लॉज एंड एथिक्स, लॉज एंड एथिक्स की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपका आएगा कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ एंड कंपनी लॉ। तो ज़्यादा टफ नहीं रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर 60 मार्क्स। फर्स्ट ग्रुप में स्कोरिंग पेपर में बात करूँ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा। अगला DD पेपर है, डायरेक्ट टैक्सेशन, जो कि हर प्रोफेशन में कॉमन सा पेपर है, हर प्रोफेशन में है, CS में भी, CMA भी और CMA में भी हैगा, BCom में भी आपको मिल जाएगा ये। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग इसका मेन पेपर है और कॉस्ट अकाउंटिंग माना जाता है, DT और कॉस्ट अकाउंटिंग माना जाता है और कहा जाता है कि इस प्रोफेशन के अंदर ये दोनों पेपर्स ऐसे हैं, DT और कॉस्ट अकाउंटिंग, जो थोड़े से टफ बनाए जाते हैं। हालांकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको नंबर आसानी से मिल सकते हैं क्योंकि उसका सिलेबस बड़ा है हालांकि, लेकिन अगर आपको वो चीज़ें पहले से आती हैं तो आप उसके और एक्सपर्ट बन सकते हैं। बाद में अगर करूँ लॉ की, तो लॉ बहुत ज़्यादा वाइड दे रखा है इसमें, इतना बड़ा लॉ दे रखा है, हर तरह का लॉ उसमें डाल रखा है, तो आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत शुरू शुरू में होगी। हाँ, एक बात और कि आप लॉ को कवर करने के बावजूद भी इसमें स्कोर करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल पड़ सकता है। एग्जाम्स इजी बनेंगे, बट एक बात मैं आपको बता दूं कि इनके एग्जाम्स जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं अगर आप बोथ ग्रुप के लिए अपेयर हो रहे हैं, और अगर सिंगल ग्रुप के लिए अपेयर हो रहे हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन एग्जाम्स होते हैं। तो उस टफ कंडीशन में आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी डगमगा सकती है, इसलिए पहले से ही उस तरह से प्रिपेयर करके चलें। लॉज एंड एथिक्स बहुत बड़ा वाइड सिलेबस है और आप उसको कवर करने के बाद भी, 2-3 रिवीजन करने के बाद ही उसको 60+ ला सकते हैं, वरना काफ़ी टफ पड़ सकता है आपके लिए। तो मैं ग्रुप 1 की बात करूँ ओवरऑल, तो उसमें सिंगल ग्रुप में नंबर लाना काफ़ी आसान पड़ेगा, ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। ग्रुप 2 की मैं बात करूँ तो ग्रुप 2 में है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, OMSM जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि पेपर 9 है। इसके बाद कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग फिर से है। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जिसके अंदर कस्टम्स और GST इंक्लूडेड है, और कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, फिर से वही वाली बात मैं कहूँगा, कंपनी अकाउंट्स 12th की और बाकी सारी कंपनी अकाउंट्स जो भी आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नाम से, कंपनी अकाउंट्स के नाम से जहाँ जहाँ कहीं कहीं भी पढ़ी है वो सब इंक्लूडेड आप इसमें कर लीजिए। ऑडिट का बेसिक इसमें अंडरस्टैंडिंग दिया गया क्योंकि ये CMA है, यहाँ पर ऑडिट का कुछ ज़्यादा काम नहीं है सर। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो जो आपको दो दो नाम दिख रहे हैं सेकेंड ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में जैसे OMSM है, तो OMSM ऑपरेशंस मैनेजमेंट और SM इन दोनों के अलग अलग वेटेज दे रखे हैं 70-30 का। IDT में इनडायरेक्ट टैक्सेशन में 80-20 का है। कॉस्ट एंड FM में 50-50 मार्क्स हैं और कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट में 50-50 मार्क्स का पेपर आता है। चलिए सर,
इसके बाद देखते हैं आगे फाइनल कोर्स। फाइनल कोर्स की ड्यूरेशन भी 12 महीने हैं, अगर आप करना चाहें तो 12 महीने में क्लियर कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस काफ़ी कंसिस्टेंट रही और आप स्टडी आज वेरी फ्रूटफुली कर रहे हैं। इसके अंदर भी 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। पहला पेपर होता है लॉ का, जो कि कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस है और कंप्लाइंस है। तो कॉर्पोरेट लॉ इसमें पूरा बहुत डेप्थ में दे रखा है, जैसे कि CS में देखने को मिल जाता है। स्टडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये अगेन थोड़ा मैथमेटिकली टूल्स एंड डिसीजन मेकिंग का सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपको स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने को मौका मिलेगा। तो सर मैं लेवल की बात करूँ तो लेवल आपको इसमें MCOM का कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, MCOM का और मास्टर्स का थोड़ा थोड़ा लेवल इसमें देखने को मिल सकता है। और इसलिए हम लोग इस कोर्स को इक्विवेलेंट मानते हैं मास्टर्स के, क्योंकि इसका लेवल मैं बोल सकता हूँ कि इग्नू की मास्टर्स से तो ज़्यादा है, लेकिन DU की मास्टर्स से बराबर पड़ता है। आराम से आप अगर इसको पढ़ेंगे तो MCOM आराम से आप DU की क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो रेगुलर से हो, चाहे वो ओपन से हो, चाहे वो सोल से हो, चाहे वो इग्नू से हो। अगर आपने इसको एक बार क्लियर कर लिया देन यू विल बी वेरी वेरी वैसे अगर आप इसको एक बार क्लियर कर लोगे तो आपके MCOM भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी फाइनल के बाद। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, डेट टैक्स लॉस इंटरनेशनल टैक्सेशन, जितना भी DD बच गया जो आपने इंटर में छोड़ दिया वो सारा का सारा DD अब आपको फाइनल में पढ़ना पड़ेगा। बात करूँ ग्रुप टू की तो जो इसका करिकुलम वो बहुत लंबा है, तो ग्रुप टू की बात करूँ तो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है इसका सब्जेक्ट, इंडेक्स टैक्स एंड लॉज एंड प्रैक्टिस है। मैं आपको नाम बता रहा हूँ इसलिए सो डैट यू कैन सर्च ऑन नेट द डिफिकल्टी लेवल, द अपीयरेंस ऑफ एग्जाम, द पास ईयर पेपर्स, ठीक है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, ऑडिट आ जाएगा इसके अंदर, वॉल ऑडिटिंग, टैक्स ऑडिट तो हमने इंटर में देख लिया, जो भी ऑडिट के बेसिक फंडामेंटल्स है। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट देखेंगे। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन इसमें लास्ट है, जो मैथमेटिकल टेक्निक से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड करता है। देखो सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू था, सब्जेक्ट्स का मैं ड्यूरेशन आपको बता दिए, तो टोटल अकेडमिक ड्यूरेशन है इसकी 2.5 साल, 2.5 साल में आपका ये कोर्स हो जाना चाहिए, ठीक है। 2.5 साल का इसका ड्यूरेशन है, मतलब जैसे 6 महीने फाउंडेशन, 12 महीने इंटर और 12 महीने फाइनल, जैसे कि आप देख रहे हैं 6 + 12 + 12, तो इसमें ये हो जाना चाहिए। हालांकि 6 महीने जब आप फाउंडेशन के लिए देंगे, फिर ये एकेडमिक है, इसमें ट्रेनिंग इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग 3 साल की है फॉर योर मेम्बरशिप, आप समझना। यहाँ पे क्या, जैसे अनलाइक सी इंस्टीट्यूट क्या करता है, जैसे आप कोर्स कंप्लीट करते हो आपको मेम्बरशिप का सर्टिफिकेट दे देता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले 6 महीने की ट्रेनिंग मैंडेटरी हुआ करती थी, 2.5 साल से हटके। 2.5 साल तो आपको एकेडमिकली पढ़ाई करनी है, ये वो ड्यूरेशन जिसमें आपको पढ़ाई करनी है, और 6 महीने उसे हटा के, 6 महीने उसे हटा के आपको ट्रेनिंग करनी होती थी पहले प्रैक्टिकल, जो कि अब 15 महीने की हो गई है, जो कि यहाँ पे स्लाइड में आपको 18 महीने दिख रहा है, वो 18 महीने नहीं आया है, वो 15 महीने आया है। तो अब से मैंडेटरी ट्रेनिंग जो भी दिसंबर 2020 से अटैम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहा है उसके लिए वो ट्रेनिंग 15 महीने की है। तो दिसंबर 2020 की अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ट्रेनिंग हो जाएगी 15 महीने की, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने की सोच रहे हैं जून 2020 की तो उसके लिए आपकी ड्यूरेशन वही रहेगी 6 महीने की। तो 2.5 साल वो और 6 महीने की ड्यूरेशन एग्ज़ाम देने के लिए है मेरे दोस्त। अगर आपको मेंबरशिप चाहिए इंस्टीट्यूट की ताकि आप सिग्नेचर कर सकें, तो सिग्नेचर करने के लिए आपको 3 साल की ट्रेनिंग ही करनी पड़ेगी। 6 महीने ऐसा है यहाँ पे प्रोसीजर है कि आप फाउंडेशन क्लियर कीजिए, आप इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर कीजिए या एक ग्रुप क्लियर कीजिए, उसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग करिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन एनी CMA फॉर्म और CA और CS फॉर्म, और जहाँ पे भी आप करना मन मतलब किसी भी कॉर्पोरेट में भी कर सकते हैं वहाँ पे कीजिए। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे फाइनल देने के लिए, मतलब इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद आपको 6 महीने की ट्रेनिंग कंपलसरली करनी पड़ेगी, उसके बाद आप फाइनल के लिए एलिजिबल होंगे तो आप फाइनल दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 2020 दिसंबर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 15 महीने की ट्रेनिंग इंटर के बाद करनी पड़ेगी, जो कि कंपलसरी हो जाएगी, फिर ही उसके बाद आप एग्ज़ाम फाइनल का दे पाएंगे, एलिजिबल हो पाएंगे उसके लिए। हालांकि इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर कोई फर्दर नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं करी है, कोई क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर नहीं है कि 15 महीने की ट्रेनिंग दिसंबर 2020 से लागू तो हो रही है, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। तो जब तक के लिए वेट करते हैं, जैसी कोई नोटिफिकेशन आएगी आई विल अपडेट यू थ्रू, ठीक है। जब तक के लिए तो यही बात है, आप मान के चलिए कि आप अगर 2020 देंगे तो ये बात तो पक्की है कि आपकी ट्रेनिंग 15 महीने की होनी है, लेकिन अगर आप अभी एडमिशन ले लेते हैं तो वो हो जाएगी आपकी जून 2020 के लिए बेसिकली 6 महीने की ट्रेनिंग सिर्फ, और उसके बाद आप फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे,
चलिए सर, ये तो ड्यूरेशन की बात हुई। ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग के लिए हमें 100 आवर्स की कंप्यूटर ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, जो कि मैंडेटरी है इंटरमीडिएट के बाद या इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देने से पहले। बोथ ग्रुप, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपको पहले ही करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप सिंगल सिंगल करके दे रहे हैं, देखो इंटरमीडिएट क्लियर करने से पहले पहले 100 आवर्स की ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी है। मतलब क्या है सर, कि अगर आपने एक ग्रुप क्लियर कर लिया, अभी भी आपका पूरा इंटर क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि इंटर के अंदर 2 ग्रुप हैं, तो अगर आपने एक ग्रुप क्लियर कर लिया है उसके बाद आपको ट्रेनिंग कंपल्सरली करनी पड़ेगी, जो कि रीजनल सेंटर CMA इंस्टीट्यूट ही करवाता है। ठीक है, फिर दोनों ग्रुप अगर आपको देने हैं तो पहले ये करनी पड़ेगी ट्रेनिंग। मतलब बेसिक सी बात यही है कि आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग करने के बाद ही एग्जाम से बैठने दिया जाएगा इंटर के बोथ ग्रुप में, लेकिन अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो फर्स्ट, तो सेकेंड ग्रुप देने से पहले ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है सर, उसके बाद 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जो अब मैंडेटरी पहले 6 महीने थी, अब 15 महीने हो गए नए स्टूडेंट्स के लिए, पुराने के लिए वही 6 महीने की है। अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा उसके बारे में। एलिजिबिलिटी सुन लीजिए सर, मैं फाउंडेशन और इंटर की लिख रहा हूँ, क्योंकि फाइनल के लिए एडमिशन लेने के लिए आपको इंटरमीडिएट का पास आउट होना ज़रूरी है, उसके लिए कोई और एलिजिबिलिटी है ही नहीं, इसलिए बस आप इंटर ही एक तरीका है जहाँ से पास आउट होकर फाइनल में जा सकते हो, इसलिए मैंने उस बारे में लिखा भी नहीं है। मैंने लिखा है फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के बारे में, क्योंकि फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में आप डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो। देखो फाउंडेशन के अंदर कैसे एडमिशन ले सकते हो आप, अ कैंडिडेट कैन बी एडमिटेड टू फाउंडेशन कोर्स, अगर उसने बेसिक सी बात यही है कि आपने 12th पास करी हुई है तो आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको जून में पेपर देने हैं तो आपको 31 जनवरी से पहले पहले अप्लाई करना पड़ेगा सर, जब भी आप जून में पेपर दे पाएंगे। 31 जनवरी के बाद जैसे ही आप अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका दिसंबर अटैम्प्ट लग जाएगा। ठीक है सर, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर आपको जून में पेपर देना है तो 31 जनवरी लास्ट डेट है, उसके पहले पहले अप्लाई कर दीजिए, आज तारीख है 20, उसके पहले अप्लाई कर दें। इसके बाद देखिए इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के लिए 2 तरीके हैं, फाउंडेशन पास करके जाओ, या अगर आपने BCom कर रखी है या ग्रेजुएशन कोई सी भी कर रखी है विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स, किसी भी तरीके की कोई परसेंटेज का बार नहीं है, तो आप एडमिशन डायरेक्टली ले सकते हो इंटरमीडिएट के अंदर। इंटरमीडिएट के अंदर डायरेक्टली ले सकते हो अगर आपने 12th पास कर रखी है या तो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं, पहला आपने CMA फाउंडेशन कर रखा है, दूसरा आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तीसरा वो ग्रेजुएशन मैं बता देता हूँ कंडीशन क्या है, वो ग्रेजुएशन फाइन आर्ट्स में नहीं होनी चाहिए, वो BFA नहीं होना चाहिए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने CS फाउंडेशन क्लियर कर रखा है या आपने CA इंटर दो ग्रुप क्लियर कर रखा है तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो, या आपने कैट निकाल रखा है ICMI का। ये 5 ऐसे तरीके हैं जिससे आप एडमिशन ले सकते हो इंटरमीडिएट में डायरेक्टली। अगर आप इन 5ों में से एक भी एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो क्राइटेरिया, तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो इंटरमीडिएट में सर, लेकिन फाइनल में लेने के लिए आपको इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर करने पड़ेंगे। और हाँ एक बात और, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भी आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं, उसमें आपके लिए इंटरमीडिएट में कुछ सब्जेक्ट्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, जैसे ऑपरेशंस मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पता है कि आपकी इंजीनियरिंग में ऑपरेशंस मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसलिए वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो सेमेस्टर का है। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आप प्रोविजनल बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं इंटरमीडिएट में, और अगर कोई स्पेशल केस है आपका तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, आई विल असिस्ट यू इन एवरी पॉसिबल वे आई कैन। राइट, चलिए सर इसके बाद देखते हैं अगला हमारा क्या टर्म होने वाला है, कोर्स फी एंड एग्जामिनेशंस। देखो एग्जामिनेशन फीस और कोर्स फीस मैं आपको बता देता हूँ, फीस कितनी है इसकी फाउंडेशन की 4,000 रुपये, एग्जामिनेशन फीस है 1,200 रुपये। सर 4 पेपर की 1,200 रुपये फीस ले रहे हैं, एक पेपर की 300 रुपये फीस है। इंटर के अंदर कोर्स फीस है 20,000 रुपये, एग्जामिनेशन फीस है एक ग्रुप की 1,200, दूसरे ग्रुप की 1,200, मतलब टोटल फीस 2,400 रुपये एग्जामिनेशन फीस, 20,000 रुपये वो फीस। तो मतलब इसमें भी देखा जाए तो 8 पेपर हैं, 8 पेपर के हिसाब से 300 रुपये पर पेपर ही आपके एग्जामिनेशन फीस ले रहे हैं, तो आपको इतना याद रखना है कि 300 रुपये आपको हर एग्जाम के एग्जामिनेशन फीस देनी ही देनी है। कोर्स फीस से हटके, कोर्स फीस है आपकी 20,000 रुपये, 2,400 रुपये ये है, तो 22,400 टोटल फीस बनती है। इंटर की फाउंडेशन की बात करूँ तो 5,200 बनती है टोटल फीस। ठीक है सर, फाइनल। अच्छा फीस पे कब करनी है, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको कोर्स फी पे करनी है, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम से थोड़े टाइम पहले ही निकलते हैं, 1-2-3-4 महीने पहले ही निकलते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन फीस देनी है। अगर आपको ऐसा एग्ज़ाम ड्रॉप करते हो तो आपको एग्जामिनेशन फीस भी नहीं देनी है। फाइनल के अंदर फीस है 17,000 रुपये,
एक ग्रुप की एग्जामिनेशन फीस वहाँ पे हो जाती है 1400 रुपये और दोनों ग्रुप की हो जाती है 2800 रुपये। तो वहाँ पे 50 रुपये बढ़ जाता है पर सब्जेक्ट, 50 रुपये बढ़ जाता है। जैसे पहले 300 रुपये पर सब्जेक्ट हुआ करती थी फीस, वह हो जाएगी 350। हालांकि फाइनल की फीस जो है वो आपकी कम है एज कम्पेयर टू इंटर, ठीक है सर। इसके बाद देखिए आपका काम कहाँ कहाँ है, आप फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लीजिए। बहुत सारे काम है क्योंकि मैं लिमिट अगर पढ़ने लग गया तो द स्काई इज द लिमिट। बेसिकली बहुत सारे काम है जो CMA कर सकते हैं। बस मैंने आपकी बेसिकली असिस्टेंस के लिए एक लिस्ट थोड़ी सी बना के दे दी है कि कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं, किस किस तरीके का काम। बाकी आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको सैलरी की बात बता देता हूँ। तो सैलरी इसके बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट है, क्या हुआ था अभी 2018 की लेटेस्ट रिपोर्ट है ये, दिसंबर अटेम्प्ट की। उसमें कितनी अभी बाकी की रिलीज करी नहीं है इंस्टीट्यूट ने, 264 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था कैंपस प्लेसमेंट में और 44 कंपनीज आई थी रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। 264 मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब ये उन्हीं इंस्टीट्यूट का इंक्लूड करते हैं जिनकी या तो रैंक आई होती है, मतलब रैंक्स 1 to 100 जाती है, सही है, 1 to 50 जाती है, सॉरी 1 to 50 जाती है रैंक, जिसके अंदर एक बच्चे की दूसरे बच्चे के साथ कॉमन रैंक भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए मेरे मार्क्स और दूसरे बच्चे के मार्क्स सेम है तो हम दोनों को ही रैंक वन दी जाएगी। तो इसलिए 264 आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं ये, कैंपस प्लेसमेंट में पार्ट लेते हैं, जिसमें 44 कंपनीज ने पार्ट लिया था और 264 स्टूडेंट ने पार्ट लिया था। हाईएस्ट CTC जो गया था वो 19 लाख रुपये गया था। एक हाईएस्ट CTC होता है ना, मतलब एक हाईएस्ट सैलरी कितनी गई है 19 लाख रुपये, और 7.5 लाख रुपये गई थी भाई साहब एवरेज सैलरी। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड MOUs, तो बेसिकली इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज है बहुत अच्छी तरह से, मैंने इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी भी करी थी। तो इसके अंदर ये सारे MOU है, मतलब आप यहाँ यहाँ पे काम कर सकते हो या आप अपनी आगे की पढ़ाई इन इन इंस्टीट्यूट के साथ में कैरी ऑन कर सकते हो। बेसिकली एट पार जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज है वही UK में, US में भी आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ये सब कनेक्शन है इंस्टीट्यूट के, एक मैंने लिस्ट बना के दी है आपको, जिसको आपको पता चल सके कि MOU का मतलब होता है मेंबर अंडर वो अंडरस्टैंडिंग, जिसके तहत आप यहाँ की स्टडी को बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एट पार। दो तीन एग्जाम अगर होंगे उनके अलग तो वो आप देख के पूरा कोर्स ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ACCA की बात करूँ तो आपको एग्जाम्स की छूट मिल जाती है, कुछ एग्जाम्स मिल जाती है जिसके तहत आपको वो एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे जो आप CMA में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस आपको थोड़े बहुत एग्जाम्स और देने पड़ेंगे और आपको ACCA की डिग्री भी मिल जाएगी। और आपको पता है ACCA की डिग्री ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन में आती है। तो सर ये थी वीडियो, दैट्स इट, ये थी वीडियो। और हमने आज देखा कि CMA के सैलरी वगैरह एलिजिबिलिटी वगैरह क्या क्या थी। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंटिंग सेक्शन, आई विल रिस्पॉन्ड इट एज सुन एज पॉसिबल। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन।